राम राम। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टॉकी स्टॉक विद गौतम में। और इस हफ्ते की मच अवेटेड वेब सीरीज का रिव्यू लेकर के हम आ चुके हैं और वेब सीरीज का नाम है तांडव। अमेजन प्राइम पर ये रिलीज हुई है और 5 घंटे 5 मिनट के आसपास इसका टोटल टाइम है वॉचिंग टाइम, तो इसको आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं। अगर एक दो शब्दों में इसका रिव्यू किया जाए तो ये अबव एवरेज है, वेब सीरीज ठीक ठाक है, डिसेंट है, अच्छी स्टार कास्ट है, प्रोडक्शन वैल्यू काफी अच्छी है, काफी अच्छा पैसा लगाया गया है तो देखने में अच्छी लगती है। और स्टार कास्ट के बारे में जैसे आपने ट्रेलर में देखा होगा, तिग्मांशु धूलिया, डिंपल कपाडिया, सैफ अली खान, जिशान अयूब जैसे काफी मजे हुए कलाकार इसमें आपको देखने को मिलेंगे। सभी ने अपना रोल बहुत अच्छे से निभाया है। वेब सीरीज से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं जो हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में हम आगे उसके बारे में बात करें। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक समय पर पहुंचते रहें, और मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अब इस तांडव की कहानी के बारे में, इसकी स्टार कास्ट के बारे में थोड़ी सी और डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। तांडव मुझे अगर बात की जाए तो पर्सनली ठीक ठाक लगी है, और बाकी अगर स्टोरी पे चले या इसके प्रेजेंटेशन पे चले तो ओवरऑल वो भी ठीक है। तांडव कहानी है एक ऐसे परिवार की जिसमें बाप बेटे दो लोग हैं, यानी तिग्मांशु धूलिया ने पिता का कैरेक्टर निभाया है, सैफ अली खान बने हैं समर प्रताप सिंह। समर प्रताप सिंह यानी सैफ अली खान अपने पिता के सत्ता को हथियाना चाहता है, यानी समर प्रताप सिंह खुद चाहता है कि वो प्रधानमंत्री बने। तिग्मांशु धूलिया इसमें ऑलरेडी प्रधानमंत्री बनने हुए आपको दिखाई देंगे। उसके बाद उस सत्ता के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं यार, डिंपल कपाडिया खुद भी चाहती है कि वो खुद जाकर के प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा एक दलित कैरेक्टर भी आपको दिखाया गया है। सबके मन में अपनी अपनी लालसाएं हैं सत्ता को लेकर के, सब अपने अपनी तिकड़म बिठा करके कैसे भी करके कुर्सी पाना चाहते हैं। समर प्रताप सिंह सत्ता को हथियाने के लिए बहुत सारी चाल चलते हुए दिखाई देते हैं, जहां वो लोगों का मर्डर करने से भी पीछे नहीं हटते। तो वो सब चीजें तो आपको यार वेब सीरीज में जाकर के देखनी ही पड़ेगी। और जिशान अयूब के कैरेक्टर के बारे में अगर बात करें तो जिशान अयूब ने कैरेक्टर निभाया है शिवा नाम का। शिवा एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है। जिशान अयूब का कैरेक्टर जेएनयू, जो आप कॉलेज जानते हैं, उसी की तर्ज पर एक कॉलेज बनाया गया है वीएनयू यानी विवेकानंद नेशनल यूनिवर्सिटी इस वेब सीरीज के अंदर। तो आपको कैरेक्टर मिलता हुआ नजर आएगा कन्हैया कुमार से, जैसे कन्हैया कुमार का पॉलिटिकल उदय हुआ है एक तरह से अपने भाषणों के थ्रू, और बहुत सारे तर्क जो वो देते आए हैं अपने भाषणों में उन्हीं को इसमें जिशान अयूब निभाते नजर आते हैं। जैसे कि मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल होने वाली है, काफी सारी चीजें हैं इस वेब सीरीज की, तो उनपे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, खैर उस पर अपन अलग से चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको इस वेब सीरीज में से उठाया जाएगा, और जो लोग इस चीज का फायदा उठाते आए हैं हमेशा राजनीतिक कारणों के लिए वो इस चीज का फायदा दोबारा से उठाएंगे। बाकी हाँ, वेब सीरीज में बहुत सारी चीजें गलत भी दिखाई गई हैं, बहुत सारी चीजें सही भी दिखाई गई हैं, ये आप सभी लोगों का नजरिया है आप किस चीज को किस तरीके से देखते हैं। तो जिशान अयूब के अलावा इस वेब सीरीज में डीनो मोरिया और सुनील ग्रोवर ने बहुत ही अच्छा कैरेक्टर निभाया है। डीनो मोरिया जहां कॉलेज के प्रोफेसर बने हैं उस वीएनयू के, वहीं सुनील ग्रोवर का कैरेक्टर आपको बहुत ही ज्यादा दमदार लगेगा। जब जब स्क्रीन पर सुनील ग्रोवर आते हैं तब तब उनको देखना बहुत अच्छा अनुभव होता है यार, बहुत ही डिसेंट कैरेक्टर है वो। सैफ अली खान को हर जगह सपोर्ट करता है, सैफ अली खान के लिए सारे गलत सही काम करने से पीछे नहीं हटता है, तो उसको स्क्रीन पर देख करके आपको लगेगा कि यार ये बहुत ही जबरदस्त एक पर्सनैलिटी उनकी सुनील ग्रोवर की दिखाई है। जहां वो पहले कपिल शर्मा के शो में लोगों को एंटरटेन करते हुए दिखाए जाते थे, तो मुझे लगता है उन्होंने बहुत अच्छा काम चुना है वेब सीरीज में आकर के, और उनका फ्यूचर डेफिनेटली ब्राइट होने वाला है। मुझे उनका काम देख करके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अगर आप लोग सुनील ग्रोवर के या सैफ अली खान के किन्हीं के भी फैन हैं तो आपको ये वेब सीरीज देखनी चाहिए, ओवरऑल बहुत अच्छी है। प्रोडक्शन वैल्यू काफी अच्छी है, बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा है, बैकग्राउंड में जो भी म्यूजिक बजता है, जो सीन और डायलॉग्स के साथ चलता है वो सब आपको सूट करता है और बहुत अच्छा लगता है, वो सब देखना भी अच्छा है, और एक विजुअल एक्सपीरियंस भी आपको प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी होने की वजह से बहुत अच्छा देखने को मिलता है। फिर से कहानी पर लौटते हैं, तो धीरे धीरे यार आगे कहानी बढ़ती जाती है, सत्ता किसी के हाथ में आती है, किसी को सत्ता से वंचित रहना पड़ता है, तो वापिस सत्ता पाने के लिए फिर से नई चालें चली जाती हैं। तो इसी तरह से ये वेब सीरीज चलती है, 5 घंटे और कुछ मिनटों की है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है, तो पॉजिटिव पॉइंट्स की अगर बात करें तो सबसे अच्छी पॉजिटिव पॉइंट्स है इसकी स्टार कास्ट, काफी दमदार स्टार कास्ट है। सैफ अली खान जमे हैं अपने रोल में समर प्रताप सिंह के में, इसके अलावा डिंपल कपाड़िया बहुत ज्यादा अच्छी लगी है, और उन्होंने जो काम किया है डायलॉग डिलीवरी वो आपको देख करके लगेगा कि जैसे एक प्रधानमंत्री करता है या कोई बड़ा नेता करता है, उसी तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज पूरी वेब सीरीज में रही है। इसके अलावा स्टार कास्ट बहुत अच्छी है और सभी लोगों का काम देखने लायक है, यानी सुनील ग्रोवर हो,
चाहे जिसान अयूब हो या आप डीनो मोरिया को ले लीजिए, सभी ने अच्छा काम किया है। सेकंड अगर पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो इसकी प्रोडक्शन वैल्यू काफी अच्छी है, सेट हो या ओरिजिनल बिल्डिंग्स लोकेशन हो सभी बहुत अच्छी है, तो जो इसके विजुअल्स आते हैं वो आपको देख करके बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा थर्ड पॉजिटिव पॉइंट्स है कि स्टोरी में जिस प्रकार परत दर परत एक कड़ियों को जोड़ा गया है वो देखना आपको बहुत अच्छा लगेगा। कई बार स्टोरीज में आप बोरियत महसूस करने लग जाते हैं, तो इसमें थोड़े बहुत ही ऐसे सीन है जहां बोरियत है, अदरवाइज पूरी वेब सीरीज एंटरटेनिंग है। माइनस पॉइंट्स की अगर बात करें तो पहला माइनस पॉइंट मुझे ये लगता है कि थोड़ी सी लंबी है, थोड़ी सी लंबी इन द सेंस कि कुछ सीन ऐसे हैं जो खींचे हुए हैं। और दूसरा अगर माइनस पॉइंट्स की अगर बात करें तो इसमें अगर कंट्रोवर्शियल कंटेंट नहीं होता तो ये शायद सभी को पसंद आती। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वेब सीरीज में कंट्रोवर्शियल कंटेंट काफी ज्यादा मात्रा में है और आने वाले समय पर उस पर होने वाला विवाद डेफिनेटली तय है। आप देखेंगे कई सारे दृश्य इसमें ऐसे हैं जो लोगों को ऑफेंड करेंगे और लोग अपने विचार ट्विटर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर रखेंगे, लेकिन इस पर विवाद होना पक्का है, ये मैं आपको आज कह देता हूँ अपने वीडियो के थ्रू। तीसरा माइनस पॉइंट जो मुझे इसमें लगता है वो ये कि इसमें जो फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं उनको थोड़ा और अच्छा किया जा सकता था, उनके डायलॉग ज़्यादा हो सकते थे और उनका कैरेक्टर जिन लोगों ने निभाया है वो कास्टिंग में थोड़ा बहुत चेंजेज हो सकता था। जैसे कि गौहर खान ने इसमें एक छोटा रोल निभाया है, डिम्पल कपाड़िया की सेक्रेटरी हैं वो, लेकिन वो उनको स्क्रीन पर देख करके इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। जैसे कि आप लोग और कैरेक्टर्स को देखेंगे उनको देख करके आपको बहुत अच्छा लगेगा, इसी प्रकार एक दो स्टार कास्ट ऐसी हैं जिनको देख करके आपको इस वेब सीरीज में ज़्यादा अच्छा लगेगा नहीं। और बाकी और कोई इसमें माइनस पॉइंट है नहीं, और ये था मेरा इस वेब सीरीज के लिए रिव्यू। अगर रेटिंग की इसके लिए बात की जाए तो 5 में से डेफिनेटली इसको मेरी तरफ से मिलेंगे 3 अंक। ओवरऑल ठीक है, आप इसे एंटरटेनमेंट के पर्पज से देखें तो देख सकते हैं, अमेजन प्राइम पर ही अवेलेबल है। बाकी आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें समय पर। बाकी अपने दोस्तों तक मेरे चैनल को शेयर कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और आप अपने विचारों से मुझे अवगत करा सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में, और तो कमेंट करते रहिएगा। बाकी इस वेब सीरीज से रिलेटेड मेरे क्या विचार हैं कि किस थॉट पर यह वेब सीरीज आधारित है, किस विचारधारा को आगे बढ़ाती है, उस बारे में हम आने वाले समय में बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, वंदे मातरम।